ओम शांति यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है इसका मतलब होता है जिगरी दिल से सेवा करना खुशी खुशी से सेवा करना दुखी हो के नहीं कई बार होता है ना मजबूरी से भी सेवा करते हैं अब कह दी है सेवा दे दी है तो मजबूरी से करते हैं दिल नहीं है पर मजबूरी से करते हैं तबियत ठीक नहीं हमारी फिर भी हमें सेवा दी जाए तो मजबूर पहले तो ऐसा दौर था तबीयत ठीक नहीं बाबा स्पेशल कहता था सेवा करने जाओ क्योंकि सेवा से ही तुम्हारी तबियत ठीक होगी और मैं तुम्हें शक्ति दूंगा तो बाबा तो ऐसे चलाता था, था सबको तो सोचो वो एक दौर था जिस समय बाबा जो कहता था ना हर एक आत्मा वही करती थी प्रयास जरूर करते थे और जिसको मैं पन आता था, था तो फिर क्या कहे पर बाबा के आगे कोई कुछ नहीं कहता अंदर उसको लगता था कि मेरा पुरुषार्थ कम है ये मैं पन आता है मुझको लेकिन इतनी हिम्मत किसी के नहीं होती थी कि बाबा को कोई कुछ कहे और उसके आगे तो मम्मा खड़ी तो मम्मा की तो आंख ही बहुत थी कि मम्मा ऐसे देख लेती थी कि ये देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे दे अभिमान में कर रहा है तो मम्मा उसको अच्छे से समझा देती क्योंकि जब संगठन होता है ना तो बहुत सी बात होती है जैसे परिवारों में होती है कहते हैं, जब ज्वाइंट फैमिली में होते हैं तो सबके साथ एडजस्ट करके चलते हैं तो वहाँ तो छोटी सी फैमिली होती है करके दो तीन होंगे चलो एक्स्ट्रा हो जाएंगे दस बारह या संगठन होता है तो देखो सौ से भी बढ़कर आपस में रहते थे तीन सौ तो रहते ही थे तो बताओ इतने सारे बच्चे बाबा ने कैसे संभाले बाबा की वृत्ति में सबके लिए स्नेही था लेकिन बच्चे दे अभिमान वश थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे करते तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता इसलिए रोज बाबा को समझा नहीं देने पड़ती कि कुछ तो श्रीमत के विपरीत कर रहे होंगे ना तभी ऐसी हालत होती तो हालत तो सुधारने के लिए होती है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो कहे चलो बीमार पड़ गया मर जाएगा चलो ऐसे थोड़ा तो कोई बीमार पड़ता है तो उसका इलाज किया जाता है इलाज होता है तो तंदुरुस्त हो जाता है और फिर तंदुरुस्त तो होकर फिर दूसरों की भी सेवा करता है या जो कोई बीमार पड़ा तो उसको खटियाई दे दो कि हाँ भाई चलो जाओ तुम तो बस अब मर नहीं वाले हो क्योंकि तुम बीमार पड़ गए तो ऐसे थोड़ा होते हैं कोई कोई बीमारी में खटिया थोड़ा चलेगी तो ऐसे भी मन की बीमारी होती है तो जो दिल से बाबा की यज्ञ सेवा करते हैं ना तो अपनी बीमारी को अपने सिर पर नहीं चढ़ाते वही बच्चे हड्डी सेवा करते हैं